गाइस, कैसे हो आप सब? मैंने सर भी धो दिया, नहा गए हैं और ये बाल भी बना दिए हैं। सुहाना देखो, मेरे पैरों में नेल पेंट लगा रही, तो बहुत दिनों बाद मैंने सोचा थोड़ा नेल पेंट लगाया जाए। बोरिंग बोरिंग सी लाइफ थी, तो थोड़ा एंजॉय किया। ये है अंश गुसाई भी आ गया है। आज इसकी छुट्टी होगी, तो गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी है बारिश की वजह से। और देखो क्या मस्त धूप लगी, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। और ये जा रहा है ट्यूशन की तरफ जाएंगे, तो 3 बजे इसका ट्यूशन है, तो देखते हैं हम छोड़ देंगे। ओ हाय, हेलो करो हमारे गाइस को, बोलो हेलो। ये लल्ला है, ऐसी है बेकाम का निठल्ला। पहली सुहाना ने इस पेंट लगा दिया है मेरे, और ये वाले पैर में भी लगा रही है, तो देखते हैं कैसे लगता है। और मैंने हाथों में लगाया तो मेरा अच्छा नहीं लगा। सुहाना का ड्रेस अब देखो आज, तो ये फ्रूट काट दिए हैं, लेकिन फ्रूट कोई खाता नहीं। हमारे सुरेश भाई खाते थे, वो घर जा रखे हैं आजकल, तो पता नहीं कब तक आते हैं। और ये सुहाना का ड्रेस देखो, और सुहाना बहुत चिढ़ गई, कृपया करो मेरा ड्रेस अब, क्योंकि मैं इसका फ्रॉक एक्सपोज कर दिया है। देखूंगा इस कैसा फ्रॉक पहना है गर्मियों वाला, जबकि अभी सर्दियां है। तो लगा तो दिया, हाथ में नहीं लगा ना, हाथ में हाथ में नहीं लगा रही। देखो कैसे चिल्लाती है, देखो गाइस इसकी असलियत। पागल से तो है सुहाना, उसका ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, देखो फुर्की बान बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे एक चीफ गेस्ट आ रखे हैं बहुत दिनों बाद। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय, कैसे हो? Fine. और किसका स्वेटर बना रहे हो आप इतनी गर्मी में? कौन सा मौसी का? कौन सा मौसी कौन है आपकी? ये सारी आंटी की चहेती बहन। तो आप ये मौसी से स्वेटर बनवा लेना, जिस जिसको बनाना है मस्त स्वेटर बनाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे आज छुट्टी हो गई ना, तो उसकी वजह से खेल रहे हैं मस्त मस्त क्रिकेट। ये देखो वरण्य शैतान, ये शैतान बच्चा देखो, तो देखो नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। तो आपके भाई सुरेश भाई घर जा रखे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक आएंगे? आई मिस यू भाई ब्रो, हम बातें कम करते थे लेकिन मिस कर रहे हम अपने भाई को बहुत। ये बहुत यादें जुड़ी है हमारे भाई की इस रूम से, पिछले पल पल भाई की याद आ रही है। हमारा भाई अभी 1 महीने के बाद आएगा। तो कब बुला रहे हैं आप उसे? वेलकम, स्वागतम, वेलकम सून। हमारा खाना पीना हो गया यहाँ पे रेडी, और मौसी बांट रही है खाना, तो मस्त मस्त चावल। और ये देखो धूप में हम मस्त धूप में खाना खा रहे हैं, ये देखो। तो चलो खाना वाना खा लेते गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो बहुत मस्त मूली अपने घर से लेके आए थे, खेत की है, लहराते हुए खेतों की वाइट वाइट। तो आज आपकी भाभी का बर्थडे है, तो कुछ विश नहीं करेंगे आप? पहले हमने भाभी को भी टेंट लगा दी, शाम को हम चंडीगढ़ निकलते हैं रवाना है। हमारी भाभी का बर्थडे, चंडीगढ़ वाली भाभी का, तो हैप्पी बर्थडे भाभी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द। खूब लंबी उम्र हो आपके, हम जल्दी मिलेंगे आपको आपके घर में, हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। बीच में भी मैं गई थी ना, फिर जाऊँगी, तो आज मेरी भाभी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मस्त मस्त सब्जी और चावल, मस्त लंच टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, तो खाने का टाइम हो गया, तो खाते हैं धूप में, एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। और ये दही भी ला रखे हैं हमने मस्त करके, तो इसको भी खाएंगे, और इसमें डालेंगे हम चीनी, और चीनी के साथ खाएंगे मस्त करके। मज़ा आ रहा है, खाना पीना हो गया डन। ये देखो प्लेट साफ कर दी हमने खा पी के, और मौसी बैठ गई बुनाई करने के लिए खा पी के। तो मौसी अब क्या प्रोग्राम है आपका? शाम को हरी रोटी, घी का थोपड़ा, और फिर अटैक का कॉमेडी है कॉमेडी। तो गाइस यहाँ पे मौसी पता नहीं क्या बना रही, पराठे बना रही शायद मूली के। और जब भी हमारे घर में आती है इनको हम किचन का चार्ज देते हैं, क्योंकि फास्ट है काम करना, तो हमें आलस आता है जब ये रहती है, तो हमें सिखाना ये बनाती है ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो ये बना रही है मूली के पराठे गरम गरम, सुहाना के फेवरेट, सुहाना को बहुत पसंद है, और साथ में हमारे लिए सब्जी भी बना रही है। तो बहुत ही मस्त है हमारी दीदी, बहुत ही हेल्पफुल, एक्टिव एंड परफेक्ट वुमेन हम बोल सकते हैं इनको। गाइस वो भैया देखो कहाँ जाके पुताई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल लाइफ है देखो। और ये गाड़ी हमारी बैग खुली आज, तो हम जा रहे कहीं घूमने, बहुत दिनों से हम कहीं नहीं गए, तो सोचा कहीं घूम के आते हैं। ये है पिंकू भैया, और पिंकू भैया के पापा कर रहे हैं गाड़ी बैक, और सारा देख रहे हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे ये पोल है ना,
इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम इस पोल को हटाने वाले हैं। और ये देखो मस्त मस्त धूप लगी हुई है इधर को। फ्रेंड्स कैसे आप सब, हम सब बढ़िया, होप आप सब भी बढ़िया। आज है संडे और सारे सारे सो रहे हैं अभी तक 10 बजे, कोई सोन नहीं था, उठने के लिए तैयार नहीं है। मौसम इतना खतरनाक हो रहा था, बहुत बारिश हो रही और हमने बना दी रास्ते में भिंडी की सब्जी। अभी हम रोटी बनाएंगे तो आपको मौसम के हाल दिखाते हैं यहाँ पे इस समय कैसा मौसम। आज संडे को बारिश हो रही है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो मैंने ये पहन लिया है। तो चलो आपको दिखाते हैं मौसम। वो मौसम अभी घर का, अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले भयंकर बारिश हुई थी, थोड़ी सी कम हो गई। और देखो पानी पानी आ गया चारों तरफ। ये देखो कितना पानी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल ही बादल हो रखे हैं। तो चलो गाइस अब हम रोटी बना लेते हैं। और सुहाना अंशु तो सो रखे हैं और सो जाता हरी सब्जी बनाएंगे, लेकिन नहीं बना रहे, मन नहीं कर रहा। तो हमने बना दी भिंडी। और किचन में देखो क्या बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये बन रही हमारी भिंडी करारी। तो इसको हम थोड़ा पलट देते हैं। ये बनी है मस्त भिंडी। और इसके साथ बनाएंगे हम रोटी या पराठा सेक देंगे। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, वो उठेंगे तो खा लेंगे। तो घर की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है। यहाँ पे बर्तन ही बर्तन, इधर बर्तन ही बर्तन, इधर बर्तन ही बर्तन। तो समझ नहीं आ रहा कितने बर्तन संभालू मैं, चारों तरफ बर्तन ही बर्तन हो रखे हैं। तो इसका ढक्कन है ना इसका कढ़ाई का, तो ढक्कन लगा देते हैं, थोड़ा स्टीम से पक जाएगी सब्जी। और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ तवा, रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब भी उठेंगे रोटी खा लेंगे। आज दूध भी नहीं लाई क्योंकि बारिश हो रही थी ना। तो चलो गाइस रोटी बना लेती हूँ। ऐसे ही चल रही है आजकल दिनचर्या। और आजकल चल रहा है सुहाना अंशु के पेपर, और कल पेपर नहीं है, परसों पेपर है। तो सुहाना मस्त सो रखी है, परसों उसका फिजिक्स का पेपर है। तो बोली थी कल पढ़ लूँगी, थोड़ी देर में पढ़ लूँगी। तो ऐसे ही करती है वो, पढ़ लूँगी, लेकिन पढ़ लेती बेचारी, बहुत मेहनत करती है। और अंशु महाराज तो करते नहीं मेहनत, बस पास हो जाता है, बाउंड्री लाइन पर जाते जाते अटक ही जाते हैं। तो चलो रोटी बना लेते हैं, शाम से मिलते हैं। तो आज हम कहीं घूमने भी जाने की सोच रहे थे, लेकिन बारिश हो गई तो आप सोच रहे हैं क्या ही करें। तो चलो देखते हैं, अगर धूप वगैरह आ गई तो कहीं जाते हैं, निकलते हैं, क्योंकि घर में कहीं दिन से हम कहीं नहीं गए, तो बोरियत से भी आ रही है। तो चलो पहले रोटी बना लेती हूँ। तो हमारे रखे हैं आज कौन सी जगह मौसी, भाऊ वाला। आज हमारे रखे हैं भाऊ वाला, हम कह रहे थे ना कहीं घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला प्लॉट मौसी का था, जो मौसी ने बेच दिया और अब जाके चंद्रबनी में घर बना दिया। तो मौसमी देखने आई है, मौसी सॉरी। तो हमने गाड़ी इधर पार्क कर दी और यहाँ देखो कितना शानदार जगह है। और मौसी अपनी यादें ताज़ा कर रही है कि हम कहते थे वहाँ पे एक घर भी बन गया। तो मैडम कितने सालों बाद आए हैं आप? आज हम गए 15 साल। 15 साल बाद आए हैं। तो प्लॉट क्यों बेचा आपने? प्लॉट इधर पसंद नहीं आया। अच्छा, तो अब क्यों आए फिर? जब पसंद नहीं आया फिर क्यों आया? अच्छा, देखने आए, बना नहीं बना, कितने क्या रेट हुआ, कुछ चला नहीं चला, आगे रेट अप डाउन कितना हुआ। अच्छा, तो फिर खरीदने का इरादा है? नहीं नहीं, इधर पसंद नहीं आता। किधर लोगे फिर आप? हम तो लेते हैं अब कार की विद्या बिहार। उधर लोगे? अच्छा, तो देखो गाइस ये एरिया था, 15 साल पहले भी ऐसे था ये प्लॉट और अभी भी ऐसे, तो इसका विकास ही नहीं हुआ इधर, लेकिन यहाँ पे अच्छा है, ठंडा ठंडा। तो चलो अब हम घर जा रहे हैं, हम यहाँ घूमने आए थे, हम तो गाड़ी चलाने आए थे कि थोड़ा थोड़ा गाड़ी चला लेते हैं। मैंने टॉफी खाई, मज़ा आ रहा है टॉफी खाने में। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मस्त। तो चलो थोड़ा सेल्फी वगैरह लेते हैं, फिर अपने घर चलते हैं, कहीं पे चाउमीन मोमो खाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। मौसी बड़ी उदास सी लग रही है। तो आप उदास उदास क्यों रहते हैं? कहाँ से? अच्छा, ये यहाँ से पानी क्यों? कोई था ही नहीं साधन, तो हम जब प्लॉट देखने आते थे, मस्ती करने आते थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। किसके साथ? अपने भाई बहनों के साथ। ये हमने मंगा दिया अपने लिए मोमो, चाउमीन, और ये है मौसी, टेस्टी मोमो बने मस्त। हेलो गाइस, तो हम बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी लोकेशन देखो कितनी अच्छी है, और लोकेशन के बीच मौसी जी देखो कितनी अच्छी है। तो आज हम आ रहे थे घूमने, तो हमने खा रहे हैं चाउमीन और ये मंगा दिया मोमो जो कि बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है,
और वो है हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, और मेरी आवाज़ आ नहीं रही हुई आपको क्योंकि इसमें स्पीकर खराब हो रखा है। तो चलो चाउमीन खा लेते हैं, मज़ा लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, बाय। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू जिधर से हम आ रहे हैं, और ये हम जा गए थे भाव वाला, एक ट्रक वाला हमें रेड लाइट दिखा रहा है, इसका पता नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या शानदार जंगल है, मस्त मस्त। तो यहाँ पे देखो क्या मस्त व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, और गाड़ियाँ देखो कैसे चढ़ रही कर 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 करके, और ये स्कूटी वाले को देखो, और इसके पीछे एक लड़की बैठी मोटू सी। तो यहाँ देहरादून में तो ऐसी सिस्टम है, ये देखो। तो गाइस चलो चलते हैं घर, फिर घर में मिलके आपको बात करते हैं। अभी हम रास्ते में हैं और हम चला रहे हैं गाड़ी, तो ड्राइव करते हुए बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ध्यान भटक जाता है। ओके बाय। दीदी तो सिलाई बनने बोलना नहीं चाहिए, गुण किसी के नहीं बोलने चाहिए, कोई भी हो किसी को गुण नहीं बोलना चाहिए, चाहे किसी ने खिलाया हो चाहे सिखाया हो जो भी है। अब बंटी ने मुझे पहले साइकिल सिखाई, फिर मुझे उसने स्कूटी सिखाई, तो आज सीख रहा हूँ कार, कार भी वही सिखाएगा। तो आज हमारे घर में कॉफी पार्टी हो रही, चाय पार्टी हो रही, देखो कॉफी पिलाओ, कॉफी पी ली, आपने पी ली, फोटो दिखा देती हूँ मैं। और ये मैडम जी भी आ रखी है बहुत दिनों बाद। तो आज कैसा है नाम आपका? आप याद आ गई हमें इसलिए आ गए, रोज नहीं आती, आज आई ज्यादा ना, और दिन आती डायलॉग सुना दो, आग लगे बस्ती में, आग लगे बस्ती में। इनका एक फेवरेट गाना है वो सुनाएंगे, मुझे तो लूट लिया मिलके उस वालों ने, बड़ा ही तंग किया बस ख्यालों ने। गाइस शाम का टाइम है और यहाँ पे बन रहा है डिनर मस्त वाला, और इसके आज देखो कड़ गया, और यहाँ पे बनने वाला है नॉन वेज जो कि हमारे घर में खाते हैं, मैं नहीं खाती, और मेरे लिए बच्ची है यहाँ पे भिंडी। तो चलो गाइस बनाते हैं डिनर, और बर्तनों की यहाँ पे देखो ढेर, आज हमारे बहुत सारे मेहमान आए थे तो इतनी बार चाय बन गई, और बहुत ठंडा भी हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही है। तो हम आ गए घूम फिर के, और अब हम बना रहे हैं खाना, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय।